नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। हमीरपुर में दबंग सौदों से परेशान होकर कक्षा 8 की छात्रा बीती एक माह से स्कूल नहीं पहुंच रही है। स्कूल आते जाते समय दबंग सौदे उसे परेशान करते हैं। पीड़ित छात्रा ने कोतवाली में लिखी तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से दबंग युवक असलहे से जान से मारने की धमकियां भी दे रहा है। जबकि यूपी सरकार नारी सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस छात्राओं को न्याय का भरोसा दिला रही है। एक तरफ यूपी सरकार नारी सुरक्षा का दावा कर रही है और उसके लिए कई हेल्पलाइन नंबर भी देकर न्याय का भरोसा दिला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस छात्रा को देखिए। ये छात्रा एक माह से स्कूल नहीं जा पा रही है। रास्ते में माहौल का दबंग व उसके साथ ही छेड़ते हैं। यह छात्रा स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ती है। मोहाल का एक मंचला दबंग युवक अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आते जाते समय उसे परेशान करता है, अश्लील हरकतें और अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। दबंगों के भय से परेशान छात्रा बीते एक माह से स्कूल नहीं गई। आपकी छात्राओं और कॉलेज जाते थे तो वो धमकाते थे और कहते थे कि हम जब आएंगे तो देख लेंगे तुम्हारे घर पे, अभी भी धमकी देते हैं उन्हें। और रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तो उसकी कोई सुनाई नहीं है और पकड़ती भी नहीं है उसे पुलिस। दो तीन लड़कियाँ जो छेड़खानी करती हैं हमारे साथ, और अभी वो रिपोर्ट दर्ज करवाई है तो कोई सुनाई नहीं है अभी। कट्टा भी दिखाया है उनने हमें और के अभी वो फरार हैं, अभी कोई भी उनकी सुनाई नहीं है, पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामला हमीरपुर जनपद के राठ कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का है, जहाँ एक कस्बे की रहने वाली एक इंटर कॉलेज में कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्रा को राठ कस्बे के ही 3 दबंग सौदे स्कूल जाते समय छेड़खानी करते हैं, मगर पुलिस की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होता। देख पीड़ित छात्रा के परिजनों से उसकी स्कूल जाना ही छुड़वा दिया और अब यह घर में पढ़ने को मजबूर है। सौदों पर कार्रवाई न होने के चलते उनके हौसले और बुलंद हो गए हैं। अब वह दबंग सौदे पीड़िता के घर पहुँच कर छेड़खानी करने लगे हैं और असलहे के बल पर जान से मारने की धमकियाँ भी देने लगे हैं। घर पे आती हैं थक और गेट में लात मारती हैं, कट्टा भी चलाती हैं, रात को कट्टा भी चलाती हैं। अब बोलो हम रिपोर्ट दर्ज कर आई कोतवाली में दे आए, अब कुछ सुनाई नहीं है। 2 दिन पुलिस आई, 2 दिन के बाद बंद है पुलिस। अच्छा, आपकी बेटी को रोज धमकाते हैं? रोज धमकाते हैं, जब कॉलेज जाती है जब भी धमकाते हैं। आपकी बेटी ने स्कूल जाना कब से? एक महीना हो गया नहीं पेपर दिया, जब से 1 महीना हो गया जब से कॉलेज नहीं गई। ये धमकी देती हैं, ऐसा उसा करूँगी, काम कछु करूँगी। पीड़िता ने दबंग सौदों की लगातार कई बार थाना कोतवाली राठ पुलिस से की है, मगर जब थाने में कार्रवाई नहीं हुई तो यह मामला पुलिस के आला अधिकारियों की चौखट में पहुंचा और अब पुलिस अधीक्षक की दखल के बाद कार्रवाई की बात की जा रही है। पुलिस अभी जैसे मेरे को तो आप ही के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि ऐसे कोई लड़की को कोई परेशान कर रहा है और कल कोतवाली गई है। मैं तत्काल अभी इंस्पेक्टर को फोन मिला के बताया हूँ, तत्काल FIR लिखा जा रहा है और जो भी उस लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अरेस्ट किए जाएंगे और लड़की का 164 की बयान भी होगा। नारी सुरक्षा के लिए सरकार सजग जरूर है और इसके लिए वह तरह तरह के कार्यक्रम भी चला रही है जिससे समाज में नारियों के प्रति सम्मान की भावना हो, मगर अभी भी सौदे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे हवस के भीड़ियों की वजह से कई नारियों की उम्मीदें घर की चार दीवारियों में कैद रह जाती है या फिर वह मौत को गले लगा लेती हैं। इसके लिए जरूरी है कि नारी सुरक्षा जागरूकता अभियान की वजह पुरुष जागरूकता अभियान सरकार को चलाना चाहिए ताकि उनकी सोच में परिवर्तन आए।